Hello everyone, in this video you will get to know what is pivoting. Pivoting is basically used for reshaping data of data frame. पिविटिंग का यूज किया जाता है डेटा फ्रेम की डेटा को रीशेप करने के लिए. रीशेप का मतलब आप रोज एंड कॉलम्स की पोजीशन को चेंज करते हो. ओके, देयर आर टू फंक्शंस अवेलेबल इन पाइथन पांडास फॉर पिविटिंग डेटा फ्रेम. तो डेटा फ्रेम की पिविटिंग के लिए हमारे पास दो फंक्शंस हैं, पिवट फंक्शन एंड पिवट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन. ओके, now we have pivot function. Pivot method creates a new data frame after reshaping the data based on column values. Okay, तो यहाँ पे pivot function से हम क्या कर रहे हैं, data frame को reshape कर रहे हैं, उसकी shape को change कर रहे हैं, right? और किस basis पे, column की basis पे, जो आपके original data frame के जो columns थे, okay, उनको rearrange करके, reshape करके आप एक new data frame create करेंगे with the help of pivot function, right? This method takes three arguments. Pivot function के अंदर, pivot method के अंदर आप three arguments pass करोगे, index, columns and values. So index, out of these three arguments, a minimum of two arguments have to be given. तो इन तीन में से आपको दो तो देनी ही देनी है, right? ओके, तो यहाँ पे सिंटेक्स हमारा क्या है, पांडास डॉट पीवेट फंक्शन, और पीवेट फंक्शन के अंदर आप पास करोगे इंडेक्स, कॉलम एंड वैल्यूज, राइट. ओके, एज अ वैल्यू फॉर ईच ऑफ दीज पैरामीटर्स वी नीड टू स्पेसिफाई अ कॉलम नेम फ्रॉम ओरिजिनल टेबल. अब यहाँ पे जो हम इंडेक्स दे रहे हैं न्यू डेटा फ्रेम के लिए दे रहे हैं ना, न्यू डेटा फ्रेम के लिए हम इंडेक्स दे रहे हैं, न्यू डेटा फ्रेम के कॉलम्स बता रहे हैं एंड न्यू डेटा फ्रेम की वैल्यूज बता रहे हैं. तो इन तीनों के लिए ही हम क्या करेंगे, जो आपका ओरिजिनल डेटा फ्रेम है जिसको आप रीशेप कर रहे हो उसके कॉलम्स आप डिफाइन करोगे, ठीक है. मतलब उसके कॉलम्स को आप पास करोगे, इंडेक्स के लिए आप कॉलम को पास करोगे, कॉलम्स बनाने के लिए आप कॉलम्स को पास करोगे एंड वैल्यूज के लिए भी आप कॉलम्स को ही पास करोगे, राइट. कॉलम्स होंगे एंड वैल्यूज क्रिएट्स कॉलम ऑफ न्यू डेटा फ्रेम. आपका जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम होगा उसके जितने भी कॉलम्स होंगे, राइट, उन कॉलम्स को आप क्या बनाओगे, जो आपका रीशेपिंग, जो आप जिस इसको रीशेप करके आप न्यू डेटा फ्रेम बनाओगे. और कैसे बनाओगे, इसके कुछ कॉलम, मतलब एक कॉलम को लेट अस सपोज आपने इंडेक्स बना दिया, ओके, बाकी कॉलम्स को आपने कॉलम्स बना दिया, ओके, एंड जो रेस्ट ऑफ द कॉलम्स हैं वो क्या आ जाएंगे, वो एज अ वैल्यू आ जाएंगे, फाइन. इसको हम अभी करके देखते हैं, देन यू विल गेट टू नो कि कैसे होता है. ओके, ओके, सो लेट अस क्रिएट डेटा फ्रेम फर्स्ट, क्योंकि हमें क्या करना है, डेटा फ्रेम को रीशेप करना है. तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे देती हूँ, पिवटिंग यूजिंग, क्योंकि अभी हम किसका यूज कर रहे हैं, पिवट फंक्शन का यूज कर रहे हैं, पिवट फंक्शन, राइट. ओके, तो फर्स्ट आपका स्टेप है डेटा फ्रेम क्रिएट करना. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे इंपोर्ट पांडास एस पीडी. ओके, हमने क्या किया है, पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है. नाउ वी विल क्रिएट अ डिक्शनरी, क्योंकि हम डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे डिक्शनरी से, राइट. तो मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी क्रिएट करती हूँ. ओके, यहाँ पे मैंने की ले ली इसकी नेम, राइट. देन वी विल गिव द वैल्यूज एज अ लिस्ट, राइट. तो मैं यहाँ पे वैल्यूज जो दूंगी वो एज अ लिस्ट दूंगी. ओके, तो हम यहाँ पे यहाँ वैल्यूज दे देते हैं. दिस इज योर फर्स्ट नेम, देन वी हैव सेकेंड नेम, थर्ड नेम एंड फोर्थ नेम, फाइन नेम्स. नेक्स्ट आप ले लो सब्जेक्ट, ओके, सब्जेक्ट एज कीज एंड द वैल्यूज एज अ लिस्ट, राइट. तो यहां पे हम सब्जेक्ट ले लेते हैं आईपी, CS, MS, and one more physics, right? Next we will take marks. Marks 98. Then 87, 99 and 80. Okay, next column we have grade.
here I am giving the grades A1, then A2, then we have again A1 and B. Okay, so here we have created our dictionary. हमने अपनी dictionary बना ली है. ओके, आप इस डिक्शनरी का यूज करते हैं हम डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए. तो इसको हम करेंगे पीडी डॉट डेटा फ्रेम फंक्शन का यूज यहाँ पे डेटा फ्रेम. ओके, और इसमें कर देंगे डिक्शनरी को पास. फाइन, और आप अब इसको प्रिंट करा दो. अभी हमने क्या किया है, सिर्फ डिक्शनरी क्रिएट की है. फिर हम क्या करेंगे, उसकी रीशेपिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ पिवोटिंग, राइट. ओके, नाउ एग्जीक्यूट दिस. ओके, सो दिस इज आवर डेटा फ्रेम. ये हमारा डेटा फ्रेम है जिसकी कॉलम्स क्या है, नेम, सब्जेक्ट, मार्क्स एंड ग्रेड. ओके, एंड दीज आर द वैल्यूज. ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको रीअरेंज करना है बाय यूजिंग द पिवट फंक्शन. तो हम इसको रीअरेंज करेंगे. ओके, रीअरेंज करने के लिए हम हेडिंग दे देते हैं पहले. हम दे देते हैं हेडिंग क्रिएटिंग अ पिवट टेबल. ओके, यूजिंग पिवट फंक्शन. ओके, सो अब हमने एक वेरिएबल ले लिया, पीवी नेम से ले लेते हैं. ओके, राइट, और अब इसका हम सिंटैक्स देंगे df डेटा फ्रेम डॉट पिवट. ओके, डेटा फ्रेम डॉट पिवट, राइट. एंड इसके अंदर आप दोगे इंडेक्स, इंडेक्स दोगे. तो मैं जो मेरा पहले जो डेटा फ्रेम बना था उसके नेम कॉलम को एज अ इंडेक्स यहाँ पे बना देती हूँ. तो मैंने इसका नेम कॉलम ले लिया एज अ इंडेक्स. फाइन, और जो इसके कॉलम्स होंगे COLUMNS, राइट. कॉलम्स में मैंने दे दिया सब्जेक्ट. ओके, तो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट दे देती हूँ, सब्जेक्ट. फाइन, और जो वैल्यूज हो, वैल्यूज में मैंने दे दिया जो कॉलम्स की वैल्यूज होंगी, राइट. जो कॉलम्स की वैल्यूज होंगी उसमें मैंने दे दिया मार्क्स. फाइन, उसमें दे दिया मैंने मार्क्स. और हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब अपना जो हमने न्यू डेटा फ्रेम रीशेप किया है पीवी, ओके, उसको हम प्रिंट करा देंगे. अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे जो मेरा प्रीवियस डेटा फ्रेम जो मैंने प्रिंट कराया है, राइट, उसके साथ में दे देती हूँ स्लैश एन, जिससे क्या होगा, वन लाइन का गैप आ जाएगा. तो आप इजीली दोनों को देख सकोगे. अब यहाँ पे हम करते हैं इसको एग्जीक्यूट. नाउ लुक एट दिस. अब ये जो आपका डेटा फ्रेम आया है, फाइन, उसमें देखो नेम जो कॉलम था वो क्या बन गया है, इंडेक्स बन गया है. फाइन, सब्जेक्ट कॉलम जो सब्जेक्ट था वो क्या बन गया है, वो कॉलम्स बन गए, सी एस आई पी, राइट. ये क्या बन गए हैं आपके, कॉलम्स बन गए. फाइन, और आपकी जो वैल्यूज थी, मार्क्स थी, मार्क्स, मार्क्स देखो, मार्क्स आपकी ये जो है, मार्क्स आपके, ओके, ये क्या बन गए हैं आपके, वैल्यूज बन गए कॉलम्स की. फाइन, तो यहाँ पे हमने क्या क्रिएट किया है, पिवट फंक्शन की हेल्प से हमने क्या किया है, डेटा फ्रेम को रीशेप किया है. ओके, अब यहाँ पे देखो सीएस में क्या है, आपके पास वैल्यू है, राइट, और रेस्ट ऑफ द जो आपका कॉलम वैल्यूज है वो एन एन है, राइट. ऐसे ही आईपी में जो है यहाँ पे आपकी वैल्यू है, रेस्ट ऑफ द जो उसकी सेल्स है, कॉलम कॉलम की जो बाकी की सेल्स है वो क्या है, एन एन है, राइट. और अगर आप चाहते हो ये एन एन डिस्प्ले ना हो, फाइन, तो उसके लिए आप क्या करो, एन एन की जगह स्पेस आ जाए. ओके, तो उसके लिए आप कौन सा पैरामीटर, कौन सी आर्गुमेंट पास करोगे, उसके लिए आप यूज करोगे, पैरामीटर नहीं पास करेंगे, यहाँ पे हम फंक्शन का यूज करेंगे. हाँ, यहाँ पे हम फिल एन ए फंक्शन का यूज करेंगे, राइट, फिल एन ए फंक्शन का. ओके, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस एन ए एन को हटाते हैं और हम यूज करते हैं डॉट फिल एन ए. ओके, और किसको, एन ए को हम किससे फिल करेंगे, हम उसको फिल करेंगे स्पेस से, राइट. एन ए एन ना आए, एन ए की प्लेस पे क्या आ जाए, स्पेस आ जाए. ओके, अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे. सी, अब क्या है, हमारे पास सिंपल वैल्यूज आ गई है, राइट, और जहां पे एन ए एन लिखा था उसकी प्लेस पे क्या आ गया है, स्पेस आ गया. ओके, ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल डू पिवटिंग
पिविटिंग यूजिंग मल्टीपल कॉलम्स. ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हेडिंग दे देते हैं पिविटिंग, पिविटिंग यूजिंग मल्टीपल कॉलम्स. ओके, अब इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए हम सिंपल आप करोगे, हमने एक वेरिएबल ले लिया मल्टीपल कॉलम्स, वो डिलीट हो गया, मल्टीपल कॉलम्स COLUMNS कॉलम्स, राइट. तो हमने एक वेरिएबल ले लिया पीवी इक्वल्स टू df, df आपका क्या है डेटा फ्रेम. ओके, अब यहाँ पे हम पिवट फंक्शन का यूज कर रहे हैं, पिवट. ओके राइट, इंडेक्स में हम दे देते हैं अगेन नेम, नेम कॉलम दे दिया. ओके, एंड कॉलम्स में, कॉलम्स में आपने सब्जेक्ट दे दिया, राइट. अब यहां पे हमने क्या किया है, वैल्यूज, ओके, वैल्यू एट्रीब्यूट को नहीं पास किया है. हमने दो एट्रीब्यूट, जो मैंडेटरी होता है कि दो एट्रीब्यूट तो आप पिवट फंक्शन के अंदर पास करोगे, राइट. तो हमने इंडेक्स दे दिया है, जो इंडेक्स बनेगा, जो कॉलम इंडेक्स बनेगा और जो कॉलम्स बनेंगे, राइट, सब्जेक्ट, फाइन. हमने यहाँ पे वैल्यूज नहीं दिया, वैल्यूज, वैल्यू पैरामीटर को, और यू कैन से वैल्यू आर्ग्यूमेंट को स्किप कर दिया है. ओके, तो इसका क्या होता है, इफ यू स्किप द वैल्यू आर्ग्यूमेंट इट विल कंसीडर द रेस्ट ऑफ द कॉलम्स फॉर वैल्यूज ऑटोमेटिकली. अगर आप वैल्यू आर्ग्यूमेंट को स्किप करते हो तो जितने भी कॉलम अब बचे हैं, आपने एक कॉलम को इंडेक्स बना दिया, एक को सब्जेक्ट बना दिया, बाकी के जितने भी कॉलम बचते हैं वो क्या बन जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यूज बन जाते हैं, ठीक है, वो आपकी वैल्यूज बन जाएंगे, फाइन. ओके, अब यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, इसको प्रिंट कराना है, और आपने इसको प्रिंट करा दिया. ओके, समझ में आया, आपने वैल्यू पैरामीटर को स्किप किया है तो वो क्या बन गया है, वैल्यू पैरामीटर स्किप करने से जितने भी कॉलम्स जो बचे हुए हैं, राइट, वो क्या बन जाएंगे, वो वैल्यूज बन जाएंगे, फाइन. तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम प्रिंट कराते हैं. नाउ लुक एट दिस, यहाँ पे देखो आपके दो कॉलम्स बचे थे, मार्क्स और ग्रेड, राइट. तो अब यहाँ पे देखो मार्क्स, मार्क्स ये आपका मार्क्स है, ओके, ये आपका ग्रेड है, फाइन. तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स की टेबल आ गई है, आपकी मार्क्स की टेबल भी आ गई है, आपकी ग्रेड की टेबल भी आ गई है. इंडेक्स आपका क्या है, इंडेक्स में आपने नेम कॉलम दिया था तो नेम कॉलम आ गया है, आपका नेम कॉलम था तो नेम कॉलम आ गया है, कॉल, ठीक है. कॉलम्स में आपने सब्जेक्ट दिया था, यहाँ पे आपके सब्जेक्ट आ गए हैं, सीएस, आईपी, मैथ्स, फिजिक्स, राइट, ओके. एंड जो कॉलम्स बचे थे, मार्क्स और आपका ग्रेड बचा था, ओके, उनकी क्या बन गई है, टेबल बन गई है. यहाँ पे मार्क्स की टेबल बन गई है, सीएस, आईपी, मैथ्स, फिजिक्स के मार्क्स आ गए हैं, और यहाँ पे ग्रेड की टेबल आ गई है, सीएस, आईपी, मैथ्स और फिजिक्स के आपके ग्रेड आ गए हैं, फाइन, ओके. नाउ ओके, अब हमारा जो पिवट फंक्शन होता है उसके साथ एक प्रॉब्लम होती है. प्रॉब्लम क्या होती है, जब उसके अंदर कॉलम्स के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज आती है तो वो क्या शो करता है, वैल्यू एरर शो करता है, फाइन. तो मैं ये करके दिखाती हूँ कैसे ये प्रॉब्लम आती है और कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक डेटा फ्रेम अगेन क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम क्या डालेंगे, डुप्लीकेट वैल्यूज डालेंगे, राइट. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हेडिंग डाल देते हैं प्रॉब्लम विद पिवट फंक्शन, राइट. इसमें हमने कर दिया इम्पोर्ट पांडास एज पीडी, ओके. डेटा हम ले लेते हैं इसके अंदर, हमने ले लिया, लेट सपोज आपने ले लिया, डेटा क्या है, हम डिक्शनरी बना रहे हैं, ठीक है. ये तो डेटा क्या है, हमारा डिक्शनरी है, आइटम, फाइन. तो हम एज अ लिस्ट आइटम दे देते हैं, एज अ लिस्ट हम आइटम, ओके. सो यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज दे देते हैं, राइट, अगेन पेन, ओके, देन वी विल गिव पेंसिल, अगेन पेंसिल, राइट. देन ये हम डेटा फ्रेम इंटेंशनली बना रहे हैं, ओके, क्योंकि इसमें हम रिपीटेड वैल्यूज देना चाहते हैं,
व्हाई? बिकॉज आपका जो पिवट फंक्शन है वो रिपीटेड वैल्यू के साथ वर्क नहीं करता है, फाइन, उसको दिखाने के लिए. और फिर उसके लिए हम क्या अल्टरनेट यूज करेंगे उसको दिखाने के लिए, ठीक है. तो ये हमने फर्स्ट बना लिया है अपना की वैल्यू पेयर. अब हम सेकंड बनाएंगे. ओके, सेकंड आप ले लो कलर. ओके, कलर में आप लिस्ट एज अ लिस्ट ले लो. ओके, प्राइस आप ले लो इन रुपीस. तो हम यहाँ पे रुपीस ले लेते हैं, प्राइस इन रुपीस, फाइन. वो हम लेंगे 10, 25, 7, 5, 50, 20, राइट. ओके, अब हम लेते हैं स्टॉक, ठीक है, कि कितनी कितना स्टॉक है उसका, मतलब कितने वो है, जो आपके कितने पेंस हैं स्टॉक में, कितने पेंस हैं, राइट, कितनी पेंसिल्स हैं. ओके, तो हम स्टॉक ले लेते हैं. स्टॉक में आप ले लो यहाँ पे, जैसे आपके पास 50, 10, 45, 34, 55, 14, राइट. ओके, तो ये हमने क्या किया है, हमने अपनी डिक्शनरी क्रिएट कर ली है, राइट. अब इस डिक्शनरी से हम क्या करेंगे, अपना डेटा फ्रेम बनाएंगे. ओके, और आप इसको प्रिंट कर दोगे. आपने अपना डेटा फ्रेम प्रिंट कर दिया, फाइन. हम अब इसको प्रिंट कर देते हैं. सी, ओके, ये आपका डेटा फ्रेम आ गया है, राइट. इसके कॉलम्स आ गए, आइटम, कलर, प्राइस, स्टॉक, राइट. दिस इज योर डेटा फ्रेम, फाइन. अब देखो, अब इस डेटा फ्रेम को अगर हम रीशेप करेंगे, राइट, इसको हम रीशेप करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, हमारे पास एरर आएगी, वैल्यू एरर आएगी, क्योंकि पिवट फंक्शन आपके डुप्लीकेट वैल्यूज के साथ वर्क नहीं करता है. ओके, सो आई एम गोइंग टू शो यू दिस. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे पिवट फंक्शन का यूज करेंगे, df डॉट रीशेपिंग के लिए पिवट, राइट. इंडेक्स में आपने दे दिया आइटम्स, आइटम, ओके. देन आपने कॉलम्स में दे दिया कलर. ओके, नाउ अब इसको एग्जीक्यूट करो. देखो, अब आपकी एरर आ गई है यहाँ पर. आप यहाँ पे देखो कौन सी एरर आई है, जो मैंने अभी बताया था, यहाँ पे आ गई आपकी वैल्यू एरर आ गई है, फाइन. क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये मल्टीपल वैल्यूज के साथ, तो मल्टीपल वैल्यूज है, पेन, पेन, पेंसिल, पेंसिल, इनके साथ वर्क नहीं करेगा. ओके, तो उसको इस जो प्रॉब्लम, जो ये प्रॉब्लम आई है, राइट, इसको आप कैसे रेक्टिफाई करोगे, मतलब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, उसके लिए हमारे पास होता है पिवट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन, राइट. अब हम उसका यूज करेंगे. ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पिवट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन कैसे वर्क करता है. ओके, इट वर्क्स लाइक अ पिवट फंक्शन. ये पिवट फंक्शन की तरह ही वर्क करेगा, बट एग्रीगेट्स द वैल्यू फ्रॉम रोज विद डुप्लीकेट एंट्रीज फॉर द स्पेसिफाइड कॉलम्स. लेकिन क्या करता है ये, ये क्या करता है, उन रोज का एग्रीगेट निकाल देता है. एक एग्रीगेट मतलब उनके ऊपर फंक्शन अप्लाई करके, एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करके एक
वन वैल्यू एज अ रिजल्ट वो क्या करता है, प्रोवाइड कर देता है. ओके okay? उनको क्या करोगे, वो उनके ऊपर एग्रीगेट फंक्शंस अप्लाई कर देता है, लाइक मिन मैक्स. ओके मिनिमम फंक्शन, मैक्स फंक्शन, मीन फंक्शन. ओके जहां भी क्या होती है, डुप्लीकेट एंट्रीज होती है. और बाय डिफॉल्ट कौन सा फंक्शन आता है, बाय डिफॉल्ट आपका मीन फंक्शन आता है. फाइन, बाय डिफॉल्ट कौन सा फंक्शन अप्लाई होगा, मीन फंक्शन अप्लाई होगा. फाइन, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वो जो वैल्यूज हैं, जो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, उनकी मीन वैल्यू निकाल के आपको शो कर देगा. वैल्यू एरर नहीं आएगी, बल्कि क्या आ जाएगा, मीन वैल्यू आ जाएगी. फाइन, ओके. सो हियर वी हैव द सिंटेक्स. सिंटेक्स आपका क्या है, पांडास डॉट पीवेट अंडरस्कोर टेबल. ओके डेटा फ्रेम, आप डेटा फ्रेम इसके अंदर पास करोगे, वैल्यूज दोगे डेटा फ्रेम के लिए, सॉरी हाँ जो न्यू आपका डेटा फ्रेम है उसके लिए वैल्यूज दोगे, इंडेक्स दोगे, कॉलम दोगे और एग्रीगेट फंक्शन आप डिफाइन कर सकते हो. बाय डिफॉल्ट तो मीन होता है, अगर आप कोई भी एग्रीगेट फंक्शन नहीं दोगे तो मीन निकल के आ जाएगा, जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज है उनका, राइट. और अगर अदरवाइज आपको कोई दूसरा एग्रीगेट फंक्शन देना है वो भी आप डिफाइन कर सकते हो. ओके या फिर आप लिखोगे डेटा फ्रेम डॉट पीवेट अंडरस्कोर टेबल वैल्यूज. ओके न्यू डेटा फ्रेम की वैल्यूज, इंडेक्स, कॉलम्स एंड एग्रीगेट, राइट. ओके द इंडेक्स हमें पता है, इंडेक्स हम क्या, इंडेक्स आप कहाँ से लोगे, आप ओरिजिनल डेटा फ्रेम का कोई भी कॉलम एज इंडेक्स बनाओगे. और कॉलम्स में भी आप कौन सी वैल्यूज दोगे, आप ओरिजिनल डेटा फ्रेम की वैल्यूज दोगे, राइट. ऐसे ही आप वैल्यूज जो बनती है वो भी क्या बनती है, वो भी आपकी ओरिजिनल डेटा फ्रेम से बनती है. फाइन, ओके. द एड फंक्शन आर्ग्यूमेंट कंटेन्स द फंक्शन एज पर विच डेटा इज टू बी एग्रीगेटेड, राइट. इफ एस्केप बाय डिफॉल्ट इट विल कंप्यूट द मीन ऑफ द मल्टीपल एंट्रीज फॉर द सेम रो कॉलम कॉम्बिनेशन. जो मैंने आपको बताया सिंपल लैंग्वेज में, फंक्शन क्या करेगा, जो भी आपकी डेटा फ्रेम की मल्टीपल वैल्यूज है उनका एग्रीगेट निकाल देगा, राइट. मीन वैल्यू उनकी आ जाएगी, वैल्यू एरर नहीं आएगी, मीन वैल्यू आ जाएगी. द पैरामीटर एग फंक्शन कैन हैव वैल्यूज अमंग सम मैक्स मिन लैन एनपी डॉट मीन एनपी डॉट मीडियम मीडियम, राइट. तो आप एग फंक्शन में इनको पास करते हो, एज अ वैल्यू दे सकते हो, आप सम निकाल सकते हो, मैक्स निकाल सकते हो, मिनिमम निकाल सकते हो, लेंथ, ओके, मीन वैल्यू निकाल सकते हो, मीडियम निकाल सकते हो. ओके सो लेट अस डू इट प्रैक्टिकली नाउ, राइट. अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पिवट फंक्शन की जगह हम दे देते हैं यहाँ पे पिवट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन, ठीक है, पिवट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन को. फाइन, नाउ वी विल एग्जीक्यूट दिस. अब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे, राइट. ओके नाउ वी हैव गॉट द रिजल्ट. मैं क्या करती हूँ, पहले वन लाइन का गैप दे देती हूँ यहाँ पर. फाइन, मैं यहाँ पे वन लाइन का गैप दू आपका df कोमा हम स्लैश एन देते हैं, जिससे इजीली वो समझ में आ जाएगा. नाउ एग्जीक्यूट इट अगेन, इसको एग्जीक्यूट करते हैं. फाइन, यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं इसको, अपना जो हमने रीशेप किया है, प्रिंट पीवी. ओके सिंपल, पहले हमने पीवट फंक्शन का यूज किया था, पीवट टेबल फंक्शन का यूज किया है. नाउ एग्जीक्यूट दिस. अब देखो आपका रिजल्ट आ गया है. पहले जब आप पीवट फंक्शन का यूज कर रहे थे तो वो डुप्लीकेट वैल्यूज को की वजह से वैल्यू एरर शो कर रहा था. अब आप क्या कर रहे हो, पीवट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन का यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या हुआ है आपका, देखो यहाँ पे आपका आइटम आ गया है, आइटम, राइट, एज अ इंडेक्स. आइटम जो कॉलम आया है वो आपका एज अ इंडेक्स आया है. ओके कलर आपका एज अ कॉलम आ गया है. फाइन, और यहाँ पे जो रेस्ट ऑफ द कॉलम्स हैं, ठीक है, रेस्ट ऑफ द कॉलम्स आपका क्या बचा, प्राइस बचा और स्टॉक बचा. ओके प्राइस एंड स्टॉक, प्राइस एंड स्टॉक क्या बन गया, एज अ वैल्यू आ गया है. प्राइस एंड स्टॉक आपका एज अ वैल्यू आ गया है, राइट. ओके एंड यहाँ पे देखो प्राइस एंड स्टॉक का जो डेटा है वो क्या है, एज इट इज नहीं आया, उनका मीन आया है, मीन वैल्यू आई है, राइट. एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई होके मीन वैल्यू आई है. ओके यहाँ पे देखो जो आपका आइटम्स है, जो फर्स्ट पेन है, पेन का देखो 35.0, राइट, ये क्या है, ब्लू जो पेन है 35.0, ये इसकी मीन वैल्यू है. फाइन, ऐसे ही स्टॉक की मीन वैल्यू आई है. ओके प्राइस की मीन वैल्यू आ गई है, स्टॉक की मीन वैल्यू आ गई है. जो आपका प्राइस था और स्टॉक था उसको मीन वैल्यू, वो मीन वैल्यू में कन्वर्ट होके एज अ रिजल्ट आपके पास आ गई है. ओके ओके नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आप मल्टीपल कॉलम्स को एज अ इंडेक्स बना सकते हो, राइट. तो वो हम यहाँ पे करते हैं. मल्टीपल कॉलम्स को हम कैसे इंडेक्स बनाएंगे, हमने ले लिया पीवी. ओके जब आप रीअरेंज कर रहे हो, रीशेप कर रहे हो, आप पिवट अंडरस्कोर टेबल, बिकॉज वी आर टेकिंग
द अबव डेटा फ्रेम, जिसके अंदर क्या है, हमने पीवट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन ले लिया क्योंकि हम उस डेटा फ्रेम का यूज कर रहे हैं जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज हैं। और मैंने यहाँ पे इंडेक्स को दे दिया आइटम, आइटम कॉलम ओके एंड कलर कॉलम, राइट, आइटम कॉलम एंड कलर कॉलम, फाइन। और हमने प्रिंट करा दिया, और यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया पीवी को, ओके। तो यहाँ पे देखो मैंने इंडेक्स में क्या दिया, मल्टीपल कॉलम्स लिए हैं, आइटम लिया है, कलर लिया है, ओके। नाउ एग्जीक्यूट दिस, ये देखो आपका क्या आ गया, दो कॉलम्स आपके क्या बन के आ गए हैं यहाँ पे, आइटम और कलर, ये दोनों क्या बन के आ गए, आपके इंडेक्स बन के आ गए आइटम और कलर, राइट। और जो रेस्ट ऑफ द कॉलम्स थे ओके, प्राइस एंड स्टॉक, वो एज अ कॉलम आ गए, फाइन। तो यहाँ पे आपने क्या किया, मल्टीपल कॉलम्स को इंडेक्स क्रिएट किया, ओके। अब हम क्या करते हैं, हम मल्टीपल एग्रीगेट फंक्शन से अप्लाई करके देखते हैं, राइट। अभी हमने देखो सिंपल मीन हमारा निकल के आ गया है, ओके। तो मेरे पास ये है ऑलरेडी क्रिएटेड डेटा फ्रेम, राइट, जो हमने बनाया था, फाइन। जब हमने इसके अंदर कोई भी एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट वो मीन वैल्यूज को क्या, आपकी वैल्यूज का मीन निकाल के दे देता है, ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यूज का, ओके। अब हम क्या करते हैं, खुद से इसको फंक्शन हम इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं, मल्टीपल फंक्शंस, राइट। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे हम दे देते हैं वैल्यूज कॉलम को बना देते हैं, वैल्यू कौन सा कॉलम बनेगा हमारा, वैल्यूज को हम दे देते हैं वैल्यूज में आपका स्टॉक कॉलम, राइट, स्टॉक कॉलम दे दिया हमने, ओके। अब इस स्टॉक का हम क्या करेंगे, इस पे हम निकालेंगे, इस एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करेंगे, ठीक है। और एग्रीगेट फंक्शन में हम क्या क्या अप्लाई करेंगे, हम इसमें अप्लाई करेंगे सम ऑफ स्टॉक, राइट, मैक्स स्टॉक मतलब मैक्सिमम स्टॉक किसका है, राइट, और हम ले लेंगे एनपी डॉट मीन, राइट। तो एनपी डॉट मीन लिया है, तो यहाँ पे आपको नंपाई लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराना पड़ेगा, बिकॉज आप नंपाई लाइब्रेरी का मीन फंक्शन यहाँ पे यूज कर रहे हो, तो आप यहाँ पे लिखोगे इंपोर्ट नंपाई एस एनपी, राइट, क्योंकि नंपाई लाइब्रेरी का मीन फंक्शन आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, राइट। और उसके बाद आपने इसको प्रिंट करा दिया, ओके। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, नाउ लुक एट द रिजल्ट, ये आपके पास रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट में देखो आपका, आपने आइटम कॉलम दिया था वो आपका एज अ क्या गया है, इंडेक्स आ गया, आइटम कॉलम आपका एज अ इंडेक्स आ गया है, कलर्स कॉलम आपके आ गए हैं, कलर जो है वो आपका कॉलम बन गया है, ओके। और आपने दिया था सम, सम किसका, स्टॉक का सम आ गया आपका, ठीक है, मैक्स आ गया है, सम आ गया है, मैक्स आ गया और मीन आ गया है, जो आपने थ्री फंक्शन अप्लाई करे थे एग्रीगेट फंक्शन, राइट। सम आ गया स्टॉक वैल्यूज का, मैक्सिमम स्टॉक वैल्यू निकल के आ गया, मीन आपका निकल के आ गया स्टॉक का, राइट, ओके। नाउ ओके, अब अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स पे डिफरेंट डिफरेंट एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करने हैं तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं एग्जांपल देके आपको बताती हूँ। हमने यहाँ पे पीवी ले लिया वेरिएबल, डीएफ डॉट पीवट अंडरस्कोर टेबल, फाइन, टेबल ले लिया आपने। अब नाउ इंडेक्स हमने वैल्यू पास की, इंडेक्स में आप ले लो आइटम, फाइन, ओके। कॉलम्स, कॉलम्स में हमने ले लिया कलर, कलर ले लिया आपने, राइट, ओके। और वैल्यूज में, वैल्यूज में आप ले लो, आप दो कॉलम्स को हम एज अ वैल्यू ले लेते हैं, प्राइस, प्राइस जो हमारा प्राइस है, ओके, एंड हम ले लेते हैं स्टॉक, ठीक है। तो ये दो जो कॉलम है वो हमारे क्या बन जाएंगे, वो बन जाएंगे हमारी वैल्यूज, फाइन। हमने प्राइस ले लिया और यहाँ पे ले लिया हमने स्टॉक, ओके, राइट। अब हम क्या लेते हैं, फंक्शन से अप्लाई करते हैं यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन, फंक्शन। अब देखो मैं अलग अलग कॉलम पे अलग अलग फंक्शन दूंगी, तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन की वैल्यू एज अ डिक्शनरी पास की है, कैसे, आपने प्राइस, प्राइस
जो हमारे पास है कॉलम, राइट ओके, उसको हमने कौन सा, उस पर हम कौन सा फंक्शन यूज करें, उस पर हम लेंथ फंक्शन यूज करें, ओके, एंड स्टॉक पर हम कर रहे हैं, स्टॉक पर हम करते हैं स्टॉक पर हम करेंगे नंपाई का मीन फंक्शन, ठीक है। स्टॉक वैल्यूज का जो स्टॉक की जो वैल्यूज है उस पे क्या जाएगी, उस पे अप्लाई हो जाएगा मीन फंक्शन और प्राइस पे आपका आ जाएगा लेंथ फंक्शन, राइट, मतलब कितना प्राइस है, फाइन। और इसको हम अब कर देते हैं प्रिंट, प्रिंट पीवी, फाइन। नाउ लुक एट द रिजल्ट हियर, आपके पास रिजल्ट आ गया है, ओके सी, यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, प्राइस आ गया है, राइट ओके, एंड आपके पास स्टॉक आ गया है, ओके, स्टॉक का आपका मीन वैल्यू निकल के आ गया है, ओके, एंड प्राइस आपकी यहाँ पे आ गया है कि उसका लेंथ निकल के आ गया, लेंथ निकल के आ गई है, ओके ओके। नेक्स्ट हमें क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, वी विल फाइंड आउट द मैक्सिमम प्राइस ऑफ ईच पेन, ठीक है। हमें क्या करना है, हम मैक्सिमम प्राइस फाइंड करेंगे पेन का, फाइन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक मैं हेडिंग दे देती हूँ, यहाँ पर हेडिंग देती हूँ यहाँ पे, राइट, और यू कैन से प्रिंट ओनली, नो नीड टू प्रिंट, प्रिंट द मैक्सिमम प्राइस ऑफ पेन ऑफ ईच कलर, ओके। तो यहाँ पे हम दे देते हैं, अब हमको क्या करना है, डेटा फ्रेम में से सिर्फ पेन को फाइंड आउट करना है, पेन को निकालना है, तो उसके लिए मैं दे देती हूँ यहाँ पे एक वेरिएबल df pen, ओके, df डेटा फ्रेम नेम, ओके, df डॉट आइटम, और आइटम कॉलम में आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए पेन, राइट, और आइटम कॉलम में आपको सिर्फ चाहिए पेन, फाइन ओके। अब हम इस पे अप्लाई कर देते हैं अपना pivot table function, okay, तो हम यहाँ पे data frame, ये कौन सा variable use करेंगे, df pen variable use करेंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या है, सिर्फ pen columns आपके आएंगे, right? Now pivot underscore table, और table में हम दे देते हैं index, index में आप दे दो item, आइटम, ओके, देन कॉलम्स, कॉलम्स में आप दे दो कलर, फाइन, उसके बाद आप वैल्यूज, वैल्यूज में हम दे देते हैं अपना प्राइस, ओके, प्राइस जो आपने किस में दिया है, रुपीस में दिया है प्राइस, ओके, और यहाँ पे हम देंगे एग्रीगेट फंक्शन, क्या कौन सा देंगे, मैक्स, ओके, एग्रीगेट फंक्शन की हम वैल्यू दे देंगे मैक्स, एज अ लिस्ट देते हैं हम एग्रीगेट फंक्शन की वैल्यू, ओके। अब आपको क्या करना है, आपको प्रिंट कराना है टीवी को, टीवी को आपने प्रिंट करा दिया, आपकी अब यहाँ पे देखो मैक्सिमम वैल्यूज निकल के आ गई हैं, फाइन। प्राइस की मैक्सिमम वैल्यू जो आपके ब्लू पेन है उसका, उसकी मैक्सिमम प्राइस 50 है, और रेड पेन है उसका मैक्सिमम प्राइस क्या है, 25 है, ओके। तो हियर वी हैव डन टू फंक्शंस, पिवट फंक्शन एंड पिवट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट पिवटिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।